10 फरवरी अब दूर नहीं, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर मतदान कर जनता अगले 5 साल के लिए यूपी की सियासी सूरत तय करेगी। यूपी के चुनाव में प्रचार को लेकर ज्यादा समय नहीं बचा है, लिहाजा प्रदेश में फिर से कमल खिलाने को लेकर बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े नेता मैदान में उतर चुके हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रैली के माध्यम से बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा के लोगों को संबोधित किया। हालांकि पहले सीएम मोदी बिजनौर में फिजिकल रैली करने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका बिजनौर दौरा रद्द करना पड़ा। फिजिकल रैली नहीं तो डिजिटल ही सही, पीएम मोदी ने विपक्ष के नेताओं पर जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोलते हुए दुष्यंत कुमार की लाइनों से निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि 2017 से पहले विकास की नदी का पानी सपा के परिवारवाद में ठहरा हुआ था। यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार में, उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। इन लोगों को सामान्य मानवी की विकास की प्यास से, प्रगति की प्यास से, गरीबी से मुक्त होने की प्यास से कभी कोई मतलब नहीं रहा। वो सिर्फ अपनी प्यास बुझाते रहे, अपने करीबियों की पास प्यास बुझाते रहे और अपनी तिजोरियों की प्यास बुझाते रहे। वहीं पीएम मोदी ने इस दौरान सीएम योगी के शासनकाल की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि योगी जी के शासन में अपराधी खुद भाग कर जेल गए और अब वो अपराधी इस उम्मीद में हैं कि सरकार बदल जाए ताकि वो जेल से बाहर आ सके। आपने देखा है कि योगी जी के शासन में अपराधी किस तरह खुद भागकर जेल गए और मांग करते रहे हमें बंद कर दो। वो सालों से इस चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें एक ही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी चुनाव आए, कैसे भी सरकार बदल जाए ताकि वो जेल से बाहर आ सके। ये अपराधी मना रहे हैं कि किसी भी तरह पुरानी वाली माफिया राज वाली सरकार आ जाए। जो अपराधी यूपी छोड़कर भाग गए थे, वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार बदले तो फिर से लौटकर आए। पीएम मोदी के इतने आक्रामक तेवर देखते हुए भला सीएम योगी कहां पीछे रहने वाले थे। सीएम योगी ने माफियावाद से लेकर पलायन दंगों तक एक एक करके सपा को निशाने पर लिया। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज्यादा कौन जानता है। याद करिए, जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे तब ये दो लड़कों की चोरी, भाइयों बहनों ये दो लड़कों की चोरी तब गायब थी। एक लखनऊ से दंगा करा रहा था और दूसरा दिल्ली से तमाशा देख रहा था। आपने देखा होगा ना, आज ये दंगाई कहां चले गए। आज इनको मालूम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दंगा करेंगे तो दंगे की गर्मी को चंद मिनटों में उतार करके रख दी जाएगी। डबल इंजन की सरकार एक हाथ से विकास कराती है, हाईवे है, रेलवे है, एक्सप्रेसवे है या फिर मेडिकल कॉलेज हो या विश्वविद्यालय का निर्माण हो, डबल इंजन की भाजपा की सरकार कराती है। एक हाथ से विकास का कार्य
और दूसरे हाथ से माफिया प्रवृत्ति के तत्वों पर जिन्होंने गरीबों का हड़पा है, व्यापारियों का हड़पा है, कमजोर लोगों का शोषण किया है, सत्ता जिनके लिए सेवा नहीं बल्कि शोषण का माध्यम बनी थी, उन लोगों के लिए सरकार का बुलडोजर भी तैयार है। गौरतलब हो कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में जहां विपक्ष किसान आंदोलन और लखीमपुर खीरी कांड जैसे मुद्दों की बदौलत बीजेपी पर हावी होना चाह रहा है, तो वहीं बीजेपी मुजफ्फरनगर दंगों और कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाकर वोट मांग रही है। अब देखना होगा कि 10 फरवरी को वोटर किन मुद्दों को अहमियत देते हैं और किन्हें खारिज करते हैं, यही 58 सीटों का भविष्य तय करेगा। आई एन एस रिपोर्ट।